नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, बहुत दिन बाद आपके क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज़ आ रहा है। अभी से हर संडे संडे आपका क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज़ आता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ अमिता यादव की। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा 2 साल से कर रही हूँ। अब तो राधा रानी की भी कर रही हूँ, पर मुझे अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। प्लीज़ कुछ बताइए क्या करें। तो कुछ चीज़ें होती है जो कुछ हमारे कर्मफल होता है, कुछ भगवान की मर्जी होते हैं, परंतु जो होता है सब भगवान की इच्छा से ही होता है। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान जी आपका भी गोद जल्द से जल्द भर दे, आप संतान गोपाल का व्रत ले और हर गुरुवार के दिन गोपाल जी का व्रत करें। संतान गोपाल का जो मंत्र है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप संतान गोपाल का मंत्र डेली पढ़ें और कम से कम 1 डेज तक आप ये मंत्र कंटिन्यूस जप करें। दिन में अगर 1 माला जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, करें। और अपने जो मन से भगवान जी के सामने एक पुत्र पुत्री जो भी आपका इच्छा है या संतान के जो भी भगवान की इच्छा है वो आपके गोदी में डाल दे। मैं भगवान से दिल से प्रार्थना करूँगी कि भगवान जी जो आपके सच्चे सेवक है, जो सच्चे मन से तकलीफ में है, उनकी रक्षा आप करें, उनकी मन की इच्छा आप जरूर पूरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने लोगों ने हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे लिखा है सभी लोगों को मेरी राधे राधे। गोपाल पेंटिंग वर्क्स इन्होंने लिखते हैं, हरे कृष्णा राधे राधे दीदी, राधा रानी की सेवा बॉयज कर सकते हैं बताइए प्लीज़। दीदी आप इतने अच्छे वुलन ड्रेस कहाँ से लेके आते हैं बताइए। तो मैं जब वृंदावन जाती हूँ तो मैं वृंदावन से कुछ ड्रेसेस लाती हूँ और ऑनलाइन लेती हूँ। मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ। और राधा रानी की सेवा जो है लड़के भी कर सकते हैं, परंतु अगर आपके घर में कोई लेडी है, अपनी आपकी बहन है या भाभी है या कोई भी घर पर कोई है, तो उनकी स्नान आदि अगर लेडीज़ कोई करते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर घर पर कोई भी नहीं है तो आप राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। पर सेवा करने के समय उनको जब स्नान कराएंगे तो इनर्स वगैरह पहना के स्नान करवाएं, ये सिर्फ अपना भाव होता है। राधा रानी माता रानी स्वरूप है, तो माता रानी की सेवा जैसे करते हैं वैसे ही आप माता रानी के स्वरूप मान के राधा रानी जी की सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मैम अपने विश्वजीत दास इन्होंने कहा है कि राधा रानी जी के आईलेसेस लगाए हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जी, हमने राधा रानी जी के आईलेसेस लगाया हुआ है। सोनी मिश्रा ने पूछा है, खुद बताए हो आप ये पोशाक प्लीज़ टेल मी, खुद बनाए हो आप ये प्लीज़ टेल मी। तो कुछ कुछ पोशाक तो मैं बनाती हूँ, बट जिस फोटो के साथ आपका ये क्वेश्चन आया है वुलन ड्रेस में एक भी नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे वुलन ड्रेस बनाना ही नहीं आता है। एक ही व्हाइट कलर का ड्रेस मैंने ट्राई किया था यूट्यूब देख के बनाने का, बहुत अच्छा तो नहीं बना था। तो वुलन ड्रेस मैंने खुद नहीं बनाया, सब खरीदा हुआ है। इसके बाद राजबाला चौहान जी ने पूछते हैं कि दीदी क्या एकादशी को तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाते हैं, और अगर नहीं चढ़ाते हैं तो कहाँ और कैसे चढ़ाते हैं, प्लीज़ आंसर मी। एकादशी के दिन भगवान तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसके कारण ये है कि एकादशी के व्रत माता तुलसी भी रखती है, तो माता तुलसी व्रत रखते हैं तो इसीलिए उनको एकादशी के दिन जो जल है नहीं चढ़ाया जाता है। दशमी के दिन जल चढ़ा सकते हैं, और आप चाहे तो द्वादशी के दिन जल चढ़ा सकते हैं, पर एकादशी के दिन आप दिया प्रज्वलित करें, पूजा करें, फूल चढ़ाएं, लेकिन जल या भोग नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका व्रत है। यही मान्यता है कि उस दिन एकादशी की व्रत तुलसी माता भी रखती है। इसके बाद सभी लोगों ने जितने जितने राधे राधे कहे हैं सभी लोगों को राधे राधे। शर्मा 2 इन्होंने लिखा है, मैम मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल जी है, मुझे बड़े साइज का लड्डू गोपाल जी लेने का मन कर रहा है, क्या कर सकते हैं प्लीज़ बताएं। तो हाँ जी, आपके पास अगर छोटा सा लड्डू गोपाल जी है और अगर आप बड़ा लड्डू गोपाल जी लेना चाहते हैं सेवा श्रृंगार के लिए, तो हाँ आप ले सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस में आपको दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहिए, मतलब आप जैसे बड़ा लाए तो छोटे को नहीं सेवा किया रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी शुरू से पूजित है उनको भी उतना ही सेवा करना चाहिए जितना आप बड़े का करोगे। जैसे जन्माष्टमी में उनके लिए दोनों के लिए आपको पोशाक लाना है, दोनों के लिए श्रृंगार करनी है, दोनों को स्नान करवाना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, दोनों लड्डू गोपाल जी के सेवा आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट श्रीजा मैजिक वर्ल्ड ने बोला है, दीदी
क्या लड्डू गोपाल जी की ड्रेस अपने आपने हाथों से बनाया है, और राधा कृष्ण जी की वुलन ड्रेस क्लॉथ नहीं पहनाते हैं? तो ऐसा है कि राधा कृष्ण जी मेरे 18 इंच का विग्रह है, और इतने बड़े वुलन ड्रेस मुझे बनाना नहीं आता है। और अभी जो है यहाँ पे मुंबई में इतनी ठंडी है नहीं, यहाँ पे शॉल उड़ाती हूँ मैं राधा कृष्ण जी को, तो उनको वुलन ड्रेस मैं यहाँ पे नहीं पहनाती हूँ। और अगर ठंडा थोड़ा सा है तो मैं उनको शॉल उड़ा देती हूँ। बाकी मुझे ड्रेसेस बनाना, वुलन ड्रेसेस बनाना बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं सारे ड्रेसेस खरीदती हूँ। विश्वजीत दास ने पूछा, आर यू बेंगोली? तो हाँ जी, मैं बंगाली हूँ। और स्वाति मिश्रा जी ने पूछा है कि मेरा सवाल है कि मेरे पास विष्णु जी की प्रतिमा नहीं है, बट आई हैव टू लड्डू गोपाल एंड राधा कृष्ण जुगल जोड़ी मूर्ति, छोटा सा, बिना विष्णु जी की मैं एकादशी का पूजा कर सकती हूँ? राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर भगवान विष्णु जी की आपके पास मूर्ति नहीं है, तो आप जो एकादशी की व्रत है उसमें राधा कृष्ण जी को या तो फिर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करवाएं, उनका सेवा करें, उनके पूजा करें, तो इससे भी भगवान विष्णु जी पूजा स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि भगवान विष्णु जी का ही एक स्वरूप है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास विष्णु जी की फोटो या विग्रह नहीं होता है, तो वो हर एकादशी में लड्डू गोपाल जी के बड़े प्यार से सेवा करते हैं। तो आप भी इस तरह से लड्डू गोपाल जी की पूरी, जो विष्णु जी के साथ जो भी नियम है, जैसे भी आप पीला कपड़ा चढ़ाते हैं, चावल का भोग नहीं लगता है, दान वगैरह करते हैं, स्नान, पंचामृत स्नान वगैरह, जो भी नियम है एकादशी का, जैसे नियम है वो लड्डू गोपाल जी के साथ आप कर सकते हैं। आप चाहे तो, अगर आपको लग रहा है, तो आप विष्णु जी का एक फोटो लेके रख सकते हैं, तो हर एकादशी के दिन विष्णु जी के फोटो के सामने फोटो प्रतिष्ठा करके फिर पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद फोटो फिर आप रख दीजिए, हर एकादशी में उनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। जितने भी राधे राधे, जय गोपाल, हरे कृष्णा, राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे। और आज के सवाल गॉड्स लिटिल ब्यूटी ने पूछा है कि हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा, अगर हमारे घर पर कोई मर जाते हैं, या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? इसके ऊपर पूरा एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपलोड किया है। कोशिश करूँगी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूँ कि अगर सूतक या पातक में कैसे सेवा करना चाहिए, प्रेयर्स के टाइम पे भी कैसे सेवा करना चाहिए, उसी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। नैना जसवानी ने पूछा है, मैम बसंत पंचमी की पूजा विधि दिखाइए प्लीज़। तो बसंत पंचमी की पूजा विधि बहुत जल्दी आने वाली है, हो सकता है आज या कल बसंत पंचमी की पूजा विधि की संपूर्ण वीडियो, जो सरल पूजा विधि है उसकी संपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी सभी लोगों ने हरे कृष्णा राधे राधे लिखा है, तो सभी लोगों को मेरा हरे कृष्णा राधे राधे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो हर संडे संडे आपका क्वेश्चन आंसर वीडियो अभी से रेगुलर बेसिस पे आएगा। बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और मैं थोड़े दिन के लिए बाहर भी थी, इसीलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। इसके लिए मैं सभी लोगों को सॉरी कहती हूँ, और सभी लोग अच्छे रहे, एकदम अच्छे से रहे, और क्या बोलूँ। और जो भी क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट मैं एक पोस्ट करूँगी, उस पोस्ट के नीचे आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट संडे फिर से क्वेश्चन आंसर का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी का जवाब दिया है। आई होप आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन चला गया है, और भी रहेगा और भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे, हरे कृष्णा राधे राधे।